Hi guys, मैं हूँ शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. एंड इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी, आपको पता होगा कि हाउ मच आई लव एक्सपेरिमेंटिंग विद माई लुक्स, स्पेशली विद माई हेयर. आई हैव हैड ग्रीन एंड ब्लू हेयर, रेड हेयर, प्लम हेयर, एंड नाउ आई एम गोना टर्न देम पर्पल. यस, आज मैं अपने बालों पे पर्पल कलर करने वाली हूँ, बट दिस टाइम आई एम ट्राइंग समथिंग डिफरेंट. आज मैं खुद घर में इनको कलर करने वाली हूँ विद दिस सेमी परमानेंट हेयर कलर फ्रॉम द ब्रांड मैनिक पैनिक. So I'm using this for the first time, but I have seen it quite a lot on YouTube and on Instagram, and I always wanted to try it. So aaj bahut himmat rakh ke I thought let me give it a try, and I decided to record the entire process and the results just for you, of course. So please video ko like kar dena, niche like ka button hai use daba dena, and agar aapne abhi tak mere channel pe subscribe nahi kiya hai, agar aaj aap ye sundar mukhda pehli baar dekh rahe hain, प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना. थैंक यू सो मच इन एडवांस. सो या, लेट्स कम बैक टू द वीडियो. आज मैं इस हेयर कलर से अपने बाल पर्पल करने वाली हूँ. एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द प्रोसेस, लेट मी जस्ट शो यू द कलर एंड टॉक अ लिटिल अबाउट इट. सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मैनिक पैनिक, एंड इट इज अ क्रीम बेस्ड हेयर कलर. इट इज अ डीप पर्पल कलर, एज यू कैन सी. इसमें कुछ मिक्स नहीं करना है आपको. इट इज अ रेडी टू यूज कलर. आपको जस्ट डायरेक्टली अपने बालों में अप्लाई करना है. और इस हेयर कलर के बॉटल पे या इसके बॉक्स में कहीं कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखे हुए हैं हाउ टू यूज इट एंड कितनी देर रखना है और कैसे लगाना है, कुछ भी नहीं लिखा है. बट मैंने इसके कुछ वीडियोज देखे यूट्यूब पे और इसके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे भी. सो आई नो कि इसको कैसे यूज करना है, बट इसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं आया है. सो मैनिक पैनिक इज नॉट एन इंडियन ब्रांड, इट्स एन इम्पोर्टेड ब्रांड. और ये इस तरह की एक प्लास्टिक की डिब्बी में आया है. दिस इज अ क्रीम बेस्ड हेयर कलर, डीप पर्पल हेयर कलर इट इज. इस कलर का नाम है पर्पल मेज, एंड दिस इज अ रेडी टू यूज कलर. आपको इसमें कुछ मिक्स नहीं करना है, आपको सिर्फ डायरेक्टली इसको अपने बालों में लगाना है. लेकिन अगर आपको ये कलर थोड़ा सा लाइट करना है, अगर आपको ये थोड़ा ज्यादा डार्क पर्पल लग रहा हो, तो आप इसके अंदर जो हम नॉर्मल कलर डेवलपर यूज करते हैं अपने हेयर डाइज में, वो डाल के आप इसको थोड़ा सा लाइट कर सकते हो. ऐसा मैंने वीडियोस में देखा है. एंड आई गॉट दिस फ्रॉम Amazon फॉर ₹980 और समथिंग. सो बातें बंद करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इसके वीडियोस देख के ही मुझे पता चला है कि ये कलर लगाने के लिए आपको अपने बाल जो है वो शैम्पू कर लेने हैं, मतलब क्लीन हेयर में लगाना है ऑफकोर्स. टाल ड्राई कर लेने हैं, मतलब हल्के गीले बालों में आपको ये कलर अप्लाई करना है. ऑल्सो इस कलर का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा अगर आपके बाल ब्लीच किए हुए होंगे. मतलब अगर मेरे ये बाल पूरे ब्लीच्ड होते, ब्लॉन्ड होते, तो इसके ऊपर ये पर्पल कलर बहुत ब्राइट चढ़ेगा. लेकिन बिकॉज मेरे बाल ये पूरे ब्लॉन्ड नहीं है, ब्राउन हेयर है, थोड़े सेमी ब्लीच्ड काइंड ऑफ कलर है, तो इसके ऊपर हो सकता है ये पूरा डार्क पर्पल ना चढ़े. अभी मुझे कुछ नहीं पता है कि ये कैसा रंग चढ़ेगा और कितने दिन ये टिकेगा. सो आई एम जस्ट ट्राइंग इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. सो चलिए लगा के देखते हैं. सो ये ऐसा क्रीम बेस्ड हेयर कलर है, बिल्कुल रेडी टू यूज. इसको मैं एक बोल में निकाल ले रही हूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि ये हेयर कलर कितना लगेगा मेरे बालों में. मैं अभी सिर्फ आधा ही कलर इसमें निकाल रही हूँ. ग्लास पहनना मत भूलना, बिकॉज दिस इज अ हाईली टिंटेड कलर. तो जब ये मेरे पास बॉटल आई थी और मैं उसको खोल के देख रही थी, तो ढक्कन पे से थोड़ा सा फ्लोर पे गिर गया था और मेरा फ्लोर वहां से अभी तक पर्पल ही है, वो साफ नहीं हुआ है. इसलिए मेक श्योर कि आप ग्लव्स जरूर पहन लें. और मैं अपने बालों में सिर्फ यहाँ नीचे एंड्स पे ही कलर करने वाली हूँ, लेकिन अगर आप पूरे बाल हेयर कलर कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना कि अपने इधर पूरी हेयर लाइन पे और कानों के पास वैसलीन लगा लेना, एक थिक लेयर ऑफ वैसलीन लगा लेना, ताकि ये कलर जो है आपकी स्किन पे ना लगे. ठीक है, काफी गाढ़ा गाढ़ा सा हेयर कलर है ये, नॉन ड्रिपिंग सा है. सो कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है नहीं इसमें. डायरेक्टली मैं इसको लगाना शुरू करती हूँ. मेरे बाल अभी मैंने शैम्पू किए हैं और हल्के गीले बाल हैं. सो मैं आपको दिखा दूं पहले कि मेरे बाल इस तरह से दिखते हैं अभी, क्योंकि मैंने इससे पहले जो कलर लगाया हुआ था वो उतरने के बाद मेरे बालों का कलर ये है अभी इसमें फिलहाल नीचे. सो देखते हैं इसके ऊपर पर्पल कलर कैसा चढ़ता है. सो आई एम नॉट डूइंग एनी प्रॉपर सेक्शनिंग और सच, आई एम जस्ट टेकिंग छोटी छोटी स्ट्रीक्स और उसमें कलर लगा रही हूं मैं.
सो यस, कलर पूरा लगा लिया है मैंने अपने बालों पे और कवर कर दिया है उसको इस तरह से फॉइल से ताकि मेरे नेक और मेरे चीक्स पे कलर ना लग जाए. एंड नाउ आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स और उसके बाद मैं इसको शैम्पू करूंगी एंड देन आई विल शो यू द रिजल्ट्स. एंड आई एम अ लिटल नर्वस एंड स्केयर्ड कि पता नहीं किस तरह का कलर निकल के आएगा ये. सो या, सी यू इन 30 मिनट्स. तो शैम्पू मैंने कर लिया है और अभी फिलहाल मुझे इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है कि मेरे बालों पे कोई कलर चढ़ा है कि नहीं, क्योंकि अभी बाल बहुत गीले हैं तो ऐसे तो मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है कि क्या कलर चढ़ा है मेरे बालों पे. इसको जल्दी से मैं ड्राई करके आती हूँ एंड देन विल सी कि कैसा कलर चढ़ा है. तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड पर्पल तो ये कहीं से नहीं है, बट एक्चुअली आई एम लाइकिंग इट. मतलब मुझे काफी पसंद आ रहा है. आई वॉज रियली स्केयर्ड एंड नर्वस कि कहीं इस तरह का कुछ पर्पल ना हो जाए मेरे बालों में. सो एक्चुअली आई एम लाइकिंग इट. ऐसा पर्पल कलर करने के लिए आपको पहले अपने बालों को ब्लीच करना होगा, उसके ऊपर आपको ये कलर अप्लाई करना होगा. ये काफी कुछ मेरे पिछले हेयर कलर जैसा लग रहा है जो कि एक प्लम हेयर कलर था जो कि मैंने सालों से करवाया था 8,000 रुपए देके. अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो आई एम रियली लाइकिंग इट बिकॉज फर्स्ट इट इज सस्ता. हालांकि उस टाइम मेरे बाल थोड़े लंबे थे बट स्टिल इट इज सस्ता. सेकेंड, इसमें कोई हीट ट्रीटमेंट यूज नहीं हुआ है, इसमें कोई ब्लीचिंग नहीं हुई है, इसमें कोई और हीट ट्रीटमेंट यूज नहीं हुआ है, कुछ और केमिकल्स यूज नहीं हुए हैं. सो आई थिंक कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा मेरे बालों में, क्योंकि सैलों के केमिकल ट्रीटमेंट से, हीट ट्रीटमेंट से मेरे बाल बहुत ज्यादा खराब हो गए थे. इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि मुझे कटवाने ही पड़ गए थे बाल. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वन हेयर कलर, मैंने रिपीटेडली बहुत बार हेयर कलर कराया था बिकॉज ऑफ माई फिल्म, इसीलिए मेरे बाल खराब हो गए थे तो मुझे वो कटवाने पड़े. सो या दैट वेज आई थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन. सैलो जाने से बेटर है कि आप पर्पल मैने का कोई भी हेयर कलर का शेड ले लो अपनी पसंद का और घर में खुद कर लो, या फिर किसी हेयर स्टाइलिस्ट को आप घर पे बुलाकर भी करवा सकते हो. नाउ दिस इज अ सेमी परमानेंट हेयर कलर. आई एम नॉट श्योर कि कितना चलेगा मेरे बालों पे. सो लेट्स डू वन थिंग कि आई एम नॉट कम्प्लीटिंग दिस वीडियो हेयर. मैं 4 दिन रुक के अपने बाल वापस शैम्पू करती हूँ एंड देन आपको दिखाती हूँ कि फर्स्ट शैम्पू के बाद ये कलर कितना उतरा और कितना बचा मेरे बालों पे. ओके ओके, सो टू माई सरप्राइज ये कलर बहुत ही कम ब्लीड आउट हुआ है, मतलब काफी कम निकला है शैम्पू करने में. मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर शैम्पूइंग. मैंने स्ट्रेटनिंग नहीं की है आज, जस्ट शैम्पू एंड कंडीशनर लगाया है बिकॉज इतना फ्रीक्वेंटली बालों को हीट ट्रीटमेंट देना इज नॉट गुड. सो यार, टॉकिंग अबाउट द हेयर कलर, मेरे पुराने हेयर कलर के एक्सपीरियंसेस के मुकाबले में ये बहुत डिफरेंट था, क्योंकि जब मैंने रेड, प्लम या फिर ग्रीन हेयर कलर कराया था तो वो हर शैम्पू के साथ बहुत ज्यादा ब्लीड करता था, पूरा वॉशरूम कलर हो जाता था, पूरे टाल्स खराब हो जाते थे. बट आज मेरा टाल ऐसे कुछ ज्यादा इसमें कलर निकला नहीं है, मैंने ये पुराना गंदा कलर वाला टाल ही यूज किया बिकॉज आई हैव सेपरेट टाल्स फॉर माय कलर्ड हेयर, क्योंकि नॉर्मली बहुत ज्यादा कलर छूटता है बट आज ये कलर नहीं छूटा है इसमें. यू कैन सी कि कुछ ऐसे आपको पर्पल बहुत ज्यादा इसमें नहीं दिख रहा है. सो व्हाट माई ऑब्जर्वेशन इज कि दिस हेयर कलर इज जस्ट लाइक दी हेयर डाइज वी यूज, जो हम लोग अपने ग्रे हेयर को कलर करने के लिए हेयर डाई यूज करते हैं जो कि 20-25 दिन आराम से चल जाती है, उसी टाइप का ये हेयर कलर है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो वाला कलर भी ब्लीड नहीं होता है और ये भी ब्लीड नहीं हुआ. एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दिस एक्चुअली, बिकॉज जो भी मैंने सैलों से जितनी बार भी हेयर कलर कराया है वो बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, प्लस वो हर बार ब्लीड भी करते हैं, वो पिलो कवर्स पे, टी शर्ट्स पे, टॉल्स पे, वो पसीने से भी ब्लीड करते हैं एक्चुअली वो वाले हेयर कलर. लेकिन ये हेयर कलर शैम्पू करते टाइम भी नहीं निकला तो आई एम श्योर कि पसीने से तो क्या ही निकलेगा. थोड़ा सा डल हो गया है जो इसमें टेंट था वो कम हो गया है बट ब्लीड आउट नहीं हुआ ये कलर. सो दिस इज माई कंफ्यूजन कि निकला तो नहीं लेकिन थोड़ा सा डल हो गया है. सो आई एम अज्यूमिंग कि 3 से 4 वॉश में ये कलर कम्प्लीटली चला जाएगा मेरे बालों से और वापस मेरे पुराने बाल आ जाएंगे, विच इज काइंड अ गुड थिंग. So overall, as I said, I'm quite impressed with this hair color for a few reasons. First, it's not expensive. अगर आप सैलों में हेयर कलर कराने जाओगे तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सेकेंडली, इट्स वेरी इजी टू यूज फॉर समवन लाइक मी. मतलब आई हेट गोइंग टू द सैलॉन्स, आई जस्ट कांट सिट इन द सैलॉन फॉर 2-3 आवर्स टू गेट माई हेयर कलर्ड और टू गेट द स्पा और टू गेट द केराटिन और वट एवर. सो इट्स वेरी इजी टू यूज, आप इसको आराम से घर में यूज कर सकते हैं. थर्ड, इट इज सेमी परमानेंट, मतलब 3-4 वॉश के बाद ये उतर जाएगा, तो इससे पहले कि आप इस कलर से बोर हो ये कलर उतर जाएगा आपके बालों से.
फोर्थ इट्स अ क्रीम बेस्ड हेयर कलर और इसको लगाने में कोई हीट ट्रीटमेंट यूज नहीं हुआ, तो आई एम अज्यूमिंग कि इसमें बालों को कम नुकसान होगा एज कम्पेयर टू द केमिकल हेयर कलर जो हम सालों में करवाते हैं। सो या दीज आर द फ्यू रीजंस जिसकी वजह से मुझे ये कलर काफी पसंद आया। एंड इफ यू आर ऑल्सो वॉन्टिंग टू ट्राई समथिंग लाइक दिस, अगर आप भी बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि आपको हेयर कलर कराना है लेकिन डरते हैं हेयर डैमेज से या फिर परमानेंट हेयर कलर से कि निकल के पता नहीं कैसा आएगा, तो आई थिंक यू कैन गिव इट अ ट्राई। आई वुड सर्टनली रिकमेंड दिस हेयर कलर टू यू। इसमें और बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं अमेजोन पे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रही हूँ, सो दैट यू कैन गो एंड चेक द शेड्स अवेलेबल एंड अपनी चॉइस से जो भी कलर आपको पसंद है यू कैन चूज इट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये कुछ हजार रुपए की बॉटल आती है और अगर आप ग्लोबल कर रहे हो तो एक बार में ये बॉटल खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप आधे बालों में कर रहे हो, सिर्फ एंड्स में कर रहे हो, तो दो बार ये बॉटल आपके आराम से चल जाएगी, विच इज क्वाइट रीजनेबल, राइट। साइड इफेक्ट ऐसा मुझे अभी इसमें कुछ दिखा नहीं है, अगर कोई मेजर साइड इफेक्ट दिखता है तो आई सर्टनली मेक अ वीडियो एंड अपडेटेड ऑन माई चैनल। सो या दिस वॉज द वीडियो फॉर टूडे, दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ दिस मैनिक पैनिक पर्पल हेज कलर and I hope you like it, I hope you find this useful। अगर आप भी ऐसा कुछ ट्राई करने की सोच रहे हैं तो आई एम श्योर कि मेरे वीडियो से आपको पक्का हेल्प मिलेगी। तो अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बिफोर यू लीव, इट विल हेल्प मी ग्रो। ऑल्सो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, डू फॉलो मी देयर ऑल्सो सो दैट यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, कॉमेंट मी और गिव मी एनी सजेशन, कुछ पूछना है कुछ बोलना है तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। So yeah, that's all for today. Thank you so much for watching. See you soon in my next video. Bye.